पैसे के या पैसा ना हो, गरीबी में इंसान जी रहा हो, तो राजनीति में सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे सफलता प्राप्त होगी जब हमारे पास पैसा ना हो? तो साथियों, वैसे मैंने इस टॉपिक पर बहुत वीडियो बनाई है, बहुत बार बात की है, दो तीन चीजें और बताता हूं मैं। मैंने बार बार कहा है राजनीति में सफल होने के लिए संसाधनों की, पैसे की जरूरत तो है, लेकिन यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पैसा आपकी जेब का हो, पैसा आपके पास ही हो। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और आप भी जानते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बने हैं साहब। वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में भी बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो गरीबी में जीवन जी रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास ऐसे मित्र थे, ऐसे संसाधन पैदा करने वाले लोग थे, ऐसे साथी थे, ऐसी टीम थी जिन्होंने उन्हें पैसे की कमी को कभी खलने नहीं दिया, पैसे की कमी की वजह से उन्हें पिछड़ने नहीं दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, ऐसी टीम तैयार करिए, ऐसे लोग तैयार करिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल आएगी, समय लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा नहीं है और आपके ऊपर तुरंत कोई दाव खेल देगा। शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो हर जगह है। जब आपने व्यापार शुरू किया होगा, क्या शुरुआत में आपके पास अगर पैसा नहीं है व्यापार किया जा सकता है क्या? बहुत मुश्किल होती है, कहीं जॉब करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत पैसा कमाया जाता है, फिर व्यापार शुरू किया जाता है। संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। 5 वर्ष संघर्ष को दे दीजिए। अगले 5 वर्ष पार्टी के संगठन के साथ रह करके, पार्टी संगठन के किसी खास व्यक्ति के साथ रह करके अपने आप को गुरुम करिए और अपनी टीम को विस्तार करने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए और आपका हुनर, जो मैंने बार बार कहा, हमारा हुनर ही हमारी पहचान बन जाए, हमारे हुनर के कारण लोग हम पर दाव खेलने लगे, तो यकीन मानिए पैसे की कमी कभी नहीं पड़ने वाली। जिन वर्तमान प्रधानमंत्री का मैं बात कर रहा हूं या पूर्व प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं, उनके बारे में देखिए, पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन उनके अंदर काबिलियत थी, उनके अंदर ऐसा एक मैग्नेटिज्म था, एक ऐसी पावर थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, लोगों को जोड़ना आता था, अपने साथ भी जोड़ना आता था और पार्टी और संगठन के साथ भी जोड़ना आता था। और जब लोगों को लगने लगा कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए एसेट है, ये व्यक्ति किसी नेता के लिए एसेट है, ये व्यक्ति हमारे लिए एसेट है, लोगों ने उस पर दाव खेला। मेरा विश्वास करिए, लोग आप पर भी दाव खेलेंगे एक बार आप उनके लिए एसेट बन जाइए। एसेट का मतलब उनके काम की चीज बन जाइए, उन्हें फायदा आपसे होना चाहिए। अगर किसी पार्टी संगठन को आपसे फायदा हो रहा होगा, किसी नेता को आपसे फायदा हो रहा होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आपसे फायदा हो रहा होगा, कहीं पार्टी के प्रचार प्रसार में आपकी वजह से तेजी आ रही होगी, धार आ रही होगी, आपके कारण लोग पार्टी संगठन से ज्यादा जुड़ाव पैदा कर रहे होंगे, आपके अंदर मैग्नेटिज्म या करिश्मा होगा, आपके अंदर ऐसी पावर होगी कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, यकीन मानिए पार्टी आप पर दाव खेलेगी, नेता आप पर दाव खेलेगा, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आप पर दाव खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अपने हुनर, अपनी काबिलियत को पहले सामने रखना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा, उसे निखारना पड़ेगा, अपने हुनर पर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने बार बार कहा है, कड़वी बात बोलने जा रहा हूं साहब, बार बार बोलता हूं मैं, शायद किसी को बुरी लगे और किसी का जमीर जाग जाए, लोग राजनीति में पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ते हैं, लोग राजनीति में अपनी काबिलियत, अपने हौसले, अपने हुनर की वजह से पिछड़ते हैं साहब। कड़वी है, बड़ी सच्चाई है, स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं वो, जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप 10 15 20 वर्ष में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, तो बताते हैं मेरी पार्टी खराब थी, मेरा संगठन खराब था, मेरा नेता खराब था, मेरा शोषण किया गया, मेरा मिसयूज किया गया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मैं अच्छा था, बाकी सब खराब थे। ऐसा नहीं होता साहब। अगर आप अच्छे थे, आप काबिल थे, तो आप अपनी काबिलियत साबित करते, और हुनर साबित करने की चीज होता है, हुनर दिखाने की चीज नहीं है। मौका पड़ने पर साबित करिए, पार्टी या संगठन में जाइए और पार्टी या संगठन में ऐसी पोजीशन, ऐसी पोस्ट लीजिए जिसे लोग मना करते हैं, ऐसी कोई जिम्मेदारी लीजिए जहां लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़िए जो 10 15 20 योजनाओं से लगातार पार्टी हार रही है और पार्टी को वहां जिता लाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पार्टी अगली बार आपको हाथों हाथ लेगी, आपको पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिल जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। समस्या क्या है? आप खुद जानते हैं कि आप काबिल नहीं है, आप जानते हैं आपके अंदर हुनर नहीं है, आप जानते हैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, आप जानते हैं कि आप लोगों को जाकर के बात नहीं कर सकते, आप जानते हैं आपके अंदर ऐसा कुछ खास गुण नहीं है जो आपको सफलता दिला दे, और अब आप सफलता की चाहत रखते हैं, तो अब ये बेईमानी है। ऐसा बेईमानी, अपने आप से झूठ बोल करके आप कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे साहब? अपने अंदर कोई हुनर पैदा करो। पहले बात तो हुनर को पहचानो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई हुनर ना हो।
मैं सच्चाई बता रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। सबसे पहले अपने आप से बात करो, ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, और फिर ये उस व्यक्ति को ढूंढो, उस संस्था को ढूंढो, उस पार्टी को ढूंढो जिसे उस काम की जरूरत है। अगर आप वो काम सबसे बेहतर कर पाते हैं और जिसे उस काम की जरूरत होगी वो आपको पैसा भी देगा, नाम भी देगा, पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। और राजनीति का जो काम है, 50-60 काम है राजनीति में साहब, उन कामों की लिस्ट तैयार कर लो, पता कर लो। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, फ्रंटल पॉलिटिक्स में अलग अलग काम है, बैकएंड पॉलिटिक्स में अलग अलग काम है, इलेक्शन मैनेजमेंट काम है, इलेक्शन मैनेजमेंट में 20 चीजों का मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, माफिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, कैंडिडेट मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट में अलग अलग चीजें हैं, वे बिल्डिंग मैनेजमेंट आता है, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट आता है, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट आता है, क्राउड मैनेजमेंट आता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं। आप देखो कि आप कौन सी चीज को सबसे बेहतर कर सकते हो, राजनीति में किन किन चीजों की लोगों को जरूरत पड़ती है उन चीजों के बारे में जान लो, चुनाव में नेताओं को क्या क्या चाहिए और आप उनमें से कौन सी चीज दे सकते हैं, कौन सा काम आसान बना सकते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें आप लोगों के लिए एसेट बन सकते हैं। जब आप नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए एसेट बनेंगे, यकीन मानिए वो आपको आगे बढ़ाएंगी और आपको पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। मैंने जिन लोगों के बारे में भी देखा, जिन बड़े नेताओं के बारे में, जिन महान नेताओं के बारे में पढ़ा, जो सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और जिनके पास पैसा नहीं था, उन सब के अंदर कोई ना कोई हुनर था, कोई ना कोई काबिलियत थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं साहब, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक बने इंडिया में, कारण क्या था? सिर्फ एक कारण था, वो पार्टी के लिए इतने लॉयल थे कि पार्टी को जहां भी जिम्मेदारी की जरूरत पड़ी, पार्टी को जहां लोगों ने काम लेना स्वीकार नहीं किया, जहां पार्टी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, जहां पार्टी सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही थी, जहां रहने के लिए जगह नहीं थी, जहां खाने के लिए समय पर संसाधन या पैसा नहीं होता था, जहां पर रिसोर्सेज नहीं थे, वहां भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मना नहीं किया, और पार्टी के लिए जब इतने वफादार रहे तो पार्टी ने उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दी। पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ोगे आप, पिछड़ोगे तो अपने हौसले कमी की वजह से पिछड़ोगे, अपने आइडियाज, अपने थॉट की कमी की वजह से पिछड़ोगे, अपने हुनर की, अपनी काबिलियत की कमी की वजह से पिछड़ोगे। पैसे की कमी की वजह से कभी कोई राजनीति में नहीं पिछड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसे की कमी की वजह से पिछड़ रहा हूं, सच्चाई ये है वो लोग भी काबिलियत या हुनर की कमी की वजह से पिछड़ रहे हैं। वो अपना हुनर या तो पहचान नहीं पा रहे या अपना हुनर दूसरों को दिखा नहीं पा रहे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। और मैं बार बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि राजनीति में आप काबिल भी हैं तो आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे दिया जाए या मौका मिल जाए। मौके पैदा करना शुरू करिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत आसपास क्रिएट करिए जहां पर आपको अपना हुनर दिखाने का मौका मिल जाए। और ध्यान रखिए, राजनेता हर चीज पर निगाह रखते हैं, उनके क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो और सांसद जी विधायक जी को ना पता हो, ये नहीं हो सकता। और यदि सांसद विधायक को नहीं पता तो ये तय है कि वो हारेगा ही हारेगा, आप उसको हराने के लिए तैयारी कर लीजिए, और उन्हें पता होता ही है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अपने आप पार्टियां आपको बुला लेंगे, अपने आप कोई ना कोई संगठन बुला लेगा, और फिर आपकी जो जरूरतें हैं वो संगठन जब पूरी करने लगेगा तो पूरी तरह से संगठन के लिए लॉयल होकर के काम करिए। पैसे की कमी के कारण आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे, और पैसा ना होना कई बार आपके लिए फायदेमंद भी होता है। हाँ साथियों, सच्चाई है, बहुत सारी पार्टियां, मैं नाम ले लूंगा, कई पार्टियां जानबूझ करके ऐसा कैंडिडेट ढूंढती हैं जो फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि जो फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं और काबिलियत उनके अंदर होती है तो उनके ऊपर अगर थोड़ा दाव खेल दो तो एहसान मानते हैं। गरीब आदमी में देखिए वो एहसान मानता है, जो पैसे वाले हो जाते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, जो गरीबी जिन्होंने देखी नहीं, जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा, उनके अंदर एटीट्यूड रहता है, अरे मैं तो 50 करोड़ रुपए खर्च करूंगा राज्यसभा मिल जाएगी, मैं 100 करोड़ रुपए खर्च करूंगा पार्टी में पद मिल जाएगा, मैं ये करूंगा मंत्री बन जाऊंगा। लेकिन जो नीचे से उठ करके आया है, जिसने संघर्ष किया, जिसके पास पैसा नहीं है, उससे अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी वो एहसान मानेगा पूरी जिंदगी। और बड़े नेताओं को, बड़ी पार्टियों को, अच्छे लोगों को, अच्छी पार्टियों को, ऐसे वफादार लोगों की हमेशा तलाश रहती है, ऐसे लोग उनके लिए असर का